अब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते होंगे कि देखिए आपका एसी का फिल्टर में कितनी पत्तियां हैं, कितना गंदा है ये। बहुत सिंपल प्रोसेस था, केवल इसको खींचिए, इसको हल्का सा ज्यादा दबाइए, थोड़ा सा और ज्यादा दबाइए, ये नीचे आ जाएगा। फिल्टर निकालिए, साफ करिए, वापस लगाते समय इसको ऐसे ही ऐसे कर देना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी की सीजन में गाड़ी में सबसे ज्यादा एसी यूटिलाइज होता है, और एसी यूटिलाइजेशन के साथ साथ हमको एसी का फिल्टर साफ करने की जरूरत भी पड़ती है। नॉर्मली ये काम हम लोग बाहर जाके सर्विसिंग के टाइम में मैकेनिक वगैरह से कराते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो हम अपने एसी को फिल्टर को कैसे साफ करें वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने घर में ही इजीली साफ कर सकते हैं गाइस। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो गाइस, जो एसी का फिल्टर होता है, इन केबिन एसी का जो फिल्टर होता है वो ये जो ग्लव बॉक्स आप देख रहे हैं, ग्लव बॉक्स के अंदर होता है। लाइट जला लेता हूं मैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे। तो ये ग्लव बॉक्स अब ऐसे खुल जाता है, उसके बाद आपको एसी का फिल्टर निकालने की जरूरत पड़ती है, और बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं है। तो इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस आप देखिए, ग्लव बॉक्स है, इसको मैंने खोल लिया है, उसके बाद इसको ध्यान से देखिए, ये एक कॉर्नर है और दूसरा ये एक कॉर्नर है। आपको दोनों तरफ, मैं स्पॉट लाइट को ना यहाँ रख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सही दिखे। आप ये लाइट दिखाओगे? तो गाइस अभी आपको क्या करना है कि दोनों साइड को ना ऐसे दबाना है, ऐसे इधर को और इसको इधर को। ये समझिए फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगेगा। देखिए मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से जोर लगा के फिर इसको खींचूंगा। पहली बार में नहीं आएगा, थोड़ा और अच्छे से जोर लगा के इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऐसे निकल आएगा। गाइस आप देख सकते हैं, यही चीज होती है बस जो फंसी रहती है। वापस अगर लगाने का टाइम आएगा आपको केवल इसको हल्का से दबाना है और इसको ऐसे पुश कर देना, ये लग गया, ये फिट हो गया। तो इसको हम खोल लेते हैं, हमें बात एसी के फिल्टर की कर रहे हैं। इसको ऐसे दबाएंगे और इसको थोड़ा सा और दबाएंगे, नीचे गिरा लेंगे। अब उसके बाद देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो है ना, ये एसी का फिल्टर यहाँ पे होता है। अभी आप यहाँ क्या करना है, थोड़ा झुकने में दिक्कत हो रही है, इस क्लिप को दबाना है और यहाँ से इसको ऐसे खींच लेना है। एक साइड क्लिप है, दूसरी साइड कुछ भी नहीं है, केवल फंसाने वाला है। ये जब हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका एसी का फिल्टर है, आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है, इसको धीरे से आपको निकाल लेना है। रुकिए मैं निकालता हूँ, इसको निकाल के बताता हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने दबाया और इसको थोड़ा सा ना दबा के मैं बाहर खींच लूंगा तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए गाइस, अब आप उम्मीद भी नहीं कर सकते होंगे कि देखिए आपका एसी का फिल्टर में कितनी पत्तियां हैं, कितना गंदा है ये। आपका एसी का फिल्टर है जो बहुत कुछ झेलता है, तो मेरा भी देखिए नई गाड़ी है लेकिन फिर भी कितना गंदा हो गया है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद इसको केवल ऐसे ऐसे झाड़ लेना है। देखिए कितनी सारी गंदगी गिर रही है, पत्ती गिर रही है। और अब ब्लोअर वगैरह अगर आपके पास हो तो ब्लोअर वगैरह से भी आप इसको साफ कर सकते हैं। तो अभी कुल मिला के देखिए थोड़ा सा साफ हो गया है, मैं अभी फिलहाल के लिए इसको लगा दूंगा, मेरे पास जब मैं वैक्यूम क्लीनर लूंगा तो उससे इसको साफ करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी कितना झेलता है, अभी ये साफ हो गया है। और उसके बाद में इसको लगाने का कुछ नहीं है, लगाने के लिए आपको ऐसे ही करना है कि ये एसी का फिल्टर, ये फ्रंट साइड है, देखिए इस पे लिखा भी हुआ है किया जेन्युइन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक साइड से इसको ऐसे डालना है, ये इंगेज करना है, पकड़ना जरा इसको, आपको बस दोनों साइड से इसको हल्का सा दबा के इसको अंदर कर देना है। अब आपको देखिए एक तरफ को ये केवल फंसाना है और दूसरी तरफ जाके इसको आप देखो क्लिप दबा के आगे कर देना है। ये हो गया इंटैक्ट, ये आपका हो गया एसी फिल्टर फिट, ठीक है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सिंपल ऐसे दबा के ऐसे हल्का सा दबाना है और ये इंगेज हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस था, केवल इसको खींचिए, इसको हल्का सा ज्यादा दबाइए, थोड़ा सा और ज्यादा दबाइए, ये नीचे आ जाएगा। फिल्टर निकालिए, साफ करिए, वापस लगाते समय इसको ऐसे ही ऐसे कर देना है।
तो गाइज आपने देखा आपका कार का एसी का फिल्टर साफ करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली साफ कर सकते हैं और घर में रह के आप 10-15 दिन 20 दिन में चाहे तो एक बार साफ कर सकते हैं। खास तौर पे गर्मी के टाइम में जब एसी ज्यादा यूटिलाइज होता है तो उतनी ज्यादा एयर सक करता है, उतना ही ज्यादा गंदगी आपके एसी के फिल्टर में मिलती है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि कई बार आपकी एसी की शिकायत की भाई कम कूलिंग कर रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है, कूलिंग नहीं हो रही अच्छे से, तो एयर फिल्टर जाम हो जाता है कई बार, तो कूलिंग नहीं कर पाता है, एयर सक नहीं कर पाता है दोस्तों। तो आपको ये प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए और बहुत सिंपल था, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम नहीं था। तो गाइज ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और उससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना इंजन का एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं खुद ही अपने घर में आराम से बिना किसी परेशानी के, और कूलेंट और ये आपका जो डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है आपके वाइपर के लिए, उन सबसे रिलेटेड वीडियोज भी मैं लेके आने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।